अगर पता है ये सर ऐसे ही छोड़ दोगे ना आप, तो इस सर की ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट इजी गाइस, ऐसा लग रहा है पूरे हाथ और पूरे बैक में लैंड माइंस बिछा रखी हैं आपने। तो इतने लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन के साथ आप वर्कआउट कैसे कर रहे थे यार? गुदी भी हो रही है, पेन भी हो रहा है, ये पूरा मसल के अंदर इतने माइक्रो ट्रॉमास बने हुए हैं। कौन कहता है मर्द का दर्द नहीं होता भाई, सही जगह पड़ती है सबको दर्द होता है। तीन चार लॉन्टन डंडा लेकर उसको बजाए और ढंग से। इसके स्किन के अंदर ऐसा हाल है, इसमें स्किन पे नजर नहीं आ रहा, बट स्किन के जब नीचे जाएंगे ना तो काफी बड़ी बड़ी इंजरीज हो रखी है। पेन ज्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा रो क्या है। That's it. आप ज्यादा हिलेंगे तो ज्यादा दर्द होगा। एक बार एनालाइज कर लेते हैं, टी शर्ट निकाल दीजिए आप, जस्ट लेट मी सी। वैसे कितने दिन हो गए प्रेप स्टार्ट किया आपको? 1 महीने के लगभग। फोटोज बहुत गजब की आई हुई थी आपके, मैंने देखा था। ओके, एक बार फ्रंट का पूरा पोज दे लीजिए आप, डबल बाइसेप्स का, बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है। इस साइड में आपकी पकड़ वैसे भी कम लग रही है मुझे। मसल मैन कनेक्शन कौन साइड में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसमें इसमें कमा रहा है। और लो लैट्स की बात करें तो कर रहा हूं, लो लैट्स ट्रेन कर रहा हूं ना, ड्राइंग वगैरह कर रहा हूं, तो इसमें तो फील आता ही नहीं है। राइट साइड में और पावर भी बहुत कम लगती है इससे। अगर उस साइड घूम लें एक बार। ओके, नेक्स्ट सेट। वर्कआउट करते टाइम आई गेस आपके ट्रैप्स से पहले जल्दी फील हो जाते होंगे ना? यहां पे ना कुछ दिन पहले इतना भयंकर पेन हुआ था पूरा, इसमें पूरे 1 महीने तक मेरी कोई मूवमेंट नहीं हुई है ना। आपके दोनों साइड की एसएम बोली पड़ी है, इनके हालत जो भी है ना, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे देखते हैं रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल ही कम हो रखा है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट मसल है ये वाला जो होता है ना, इसमें इतनी पावर है कि आपके पैर की उंगली तक मोड़ सकती है ये, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे। ओके, यहाँ से स्पाइन हल्की सी राइट साइड में शिफ्टेड है, एंड दैट एक्सप्लेन्स कि आपको सिर्फ राइट साइड में ही क्यों ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। या पूरा से दो पढ़ लीजिए, ये जंक्शन पॉइंट पूरा का पूरा ऐसा हुआ हुआ है। रिलैक्स, दोनों तो पढ़ लीजिए स्ट्रेट पूरे ऊपर। बैक की वर्कआउट करते टाइम रेंज ऑफ मोशन कैसा आ रहा है दोनों साइड से? राइट वाला वो तो नजर आ गया, एक तो यहाँ से स्कैपुला पूरा नहीं घूम रहा आपका। क्या आप अभी इन दिनों स्ट्रेचिंग कर रहे हैं? सिर्फ वही वाली चल रही है क्या, दिल को झुलसा देने वाली? तो सबसे पहले हमें आपकी स्पाइन फिक्स करनी पड़ेगी, उसके बाद हम पूरी राइट साइड का जो जंक्शन पॉइंट है विल ट्रीट दिस वन। अगर यहाँ से फ्री होगा तभी आपका रेंज ऑफ मोशन कम्प्लीट हो पाएगा। ठीक है, एक काम कीजिएगा, सामने लेग्स को सीधा रखते हो, सामने झुकना पूरा मैक्सिमम, घुटने सीधे रखना। किसी पेन तो नहीं है ना अभी? किसमें? राइट वाले में, लेफ्ट वाले दोनों में ही? सो क्या हो रहा है, राइट साइड पूरी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही है, इसी वजह से हल्का सा पेल्विक को भी ऊपर पुल किया हुआ है इसने। हाथ लगाने से दर्द ज्यादा हो रहा है, गुदगुदी हो रही है अभी। ठीक है, गॉट इट, सीधे और हो जाइए एक बार। लास्ट लैब्स पूरी फ्लैक्स करना एक बार, मोस्ट मस्कुलर पोज आता ना पिक। अभी कौन सी साइड में ज्यादा फील हो रहा है दोबारा करना? नहीं, फील यहाँ पेन हो रहा है। पेन हो रहा है क्योंकि आपके जो क्लेविकुलर हेड है ना, ये इतना स्टिफ है, इसने क्या करा कि इसको ऐसे पुल किया हुआ है, तो फ्रंट में हल्का सा झुका हुआ है, इस वजह से बीच की नर्व्स भी दब रही है। सच में ही कबाड़ा कर रखा है लग रहा है कई दिन से। ठीक है ब्रदर, आप शॉर्ट्स लाएं साथ में? हाँ, तो चेंज कर लो फिर। आइए ब्रदर, तो हम पहले काम शुरू करेंगे बैक साइड से, बैक और आपके ग्लूट्स का, जो आपका ग्लूट्स है ना दोनों साइड का वो, उसके बाद साइड मूव करके फिर फ्रंट के साइड में आएंगे। ठीक है, आइए, फेस डाउन रहेगा इसमें, इजी, हाथ दोनों नीचे। क्या राइट साइड में टच करने से भी पेन हो रहा है? बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट, रिलैक्स, लंबे लंबे सांस लेते रहिएगा, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए इसमें। क्या यहाँ पे पेन है इस पर्टिकुलर पार्ट में हो रहा है? अब बताइएगा ज़रा अभी। लास्ट आपका वर्कआउट कब का था? कल ही किया। कौन से मसल ग्रुप का? चेस्ट। चेस्ट चुभता है ना, तब क्या चुभता है? थंब से कर रहा है, थंब ही यूज़ कर रहा हूँ अभी तो, सिर्फ मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो रखा है, कहाँ कहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो पहले हम वर्क करेंगे मसल्स के ऊपर, देन आपके न्यूरल सिस्टम पे, एंड फाइनली आपके जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट करेंगे। तो इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे हम आउटर लेयर से लेकर के इंटरनल लेयर तक हम लोग पेनिट्रेट करने वाले हैं। तो मैं आपको एक स्केल देता हूँ 0 to 10 का, 0 मतलब सबसे कम पेन, 10 मतलब सबसे ज़्यादा। जैसे ही वो स्केल 5 को क्रॉस करे डू लेट मी नो, ताकि मैं थोड़ा प्रेशर को कंट्रोल कर सकूँ। हाथ लगाते ही, अच्छा ये बताना अभी कैसा? नॉर्मल है, बताते नहीं रहना, जब 5 से ऊपर चला जाए तब बताइएगा। ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट। बेचारे की बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी आपने लगता है, मतलब ठीक होने का मौका दिया नहीं। नींद कैसे आ रही है वैसे आजकल? नहीं आ रही। कैफीन ज़्यादा? नहीं ज़्यादा, तो रात के टाइम पे ही लेट। कुछ उसका भी रोल है फिर रिकवरी ना होने का ना। बस लंबे में सांस लेते रहिए, ट्राई माई बेस्ट कि आपको पेन कम से कम हो।
लास्ट कंपटीशन कौन सा रहा था आपका? लंबा टाइम हो गया अभी तो, सिर्फ शेरू क्लासिक का प्लान है क्या, आसपास के और भी कॉम्पिटिशन को देखोगे? रिलैक्स, कई लोग यहाँ पे आप मतलब पिछले 2-3 दिन में शायद 3 या 4 लोगों ने मुझे आपकी फोटोज दिखा के बताया है कि हिमांशु वगैरह को कितने देखे, कितने जबरदस्त लग रहे हैं, कितने जबरदस्त लग रहे हैं। मतलब एक तो नजर मत मारो तुम लोग। वो तो छोड़ो सर, हाँ काफी लोग आपको कांटेक्ट कर रहे थे, अब वो मुझे बोल रहे हैं कि वो सर कहाँ चले गए हैं, उनका नंबर नहीं लग रहा है। सॉरी अबाउट दैट यार, मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था और फ़ोन बंद था, इस वजह से कईयों को दिक्कत हुई है। ये तो पूरा बैंड ही आपने खींचा पड़ा है। कैन यू फील दिस वन? राइट देयर, राइट देयर। नो वंडर कि आप राइट साइड को ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे, आपको कॉन्ट्रैक्शन महसूस नहीं हो रहा है इसके अंदर। जब कोई मसल का टिश्यू आपका हमेशा ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है ना, तो उसके बियॉन्ड दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो पाना उसके बस में नहीं है और वो रिकवर भी नहीं होगा। आपकी लास्ट मील कितने बजे हुई है अभी? बस ठीक है, बहुत अच्छे से पता चल रहा है ना। पता, स्कार टिश्यू जितना नेक के नज़दीक होता है ना, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी रेस्पॉन्स कम देना शुरू करती है फिर, क्योंकि सिंगलिंग प्रोसेस में हिंड्रेंस रहता है ना वो। ब्रीद इन ब्रीद आउट। क्या आप वर्कआउट के बाद में या पहले फोम रोलिंग यूज़ कर रहे थे? रेगुलर और कभी कभी? बट सीम्स वो आपकी अपर लेयर को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाया। पेनफुल? टेन के बियॉन्ड जा चुका है क्या? कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, गुड। अगर पता है ये सर ऐसे ही छोड़ दोगे ना आप, तो इस साइड की ग्रोथ होना बंद हो जाएगी ना, ये आप इस पर कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे जैसे कि आप बता भी रहे हो। बेसिकली स्कार टिश्यू का पूरा ना एक जाल बन गया इस साइड में, जो ब्लड सर्कुलेशन को भी नहीं होने दे रहा। इजी ब्रीद इन ब्रीद आउट। दिस गाय इज अ मास मॉन्स्टर, इतनी डेंस मसल है ना आपकी। Breathe in, breathe out. This is a big one, right there. ये पूरा बेंड यहाँ से स्टार्ट होया हुआ है एंड इट्स गोइंग अप टिल हियर। ओह, बहुत पेन हो रहा है। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट इजी गाइज। नो, बॉडी बिल्डिंग नॉट इजी, यू हैव टू गो थ्रू दिस ना इन ऑर्डर टू बी ऑन द स्टेज एंड गेट दैट गोल्ड मेडल। ये जो फाइबरस बैंड्स है ना, ये आपके पूरे स्कैपुला का जो रोटेशन वाला मूवमेंट है इन एंड आउट वाला, वो नहीं होने दे रहे। कह दो हाँ, बोलना तो पड़ेगा, कंफर्टेबल हूँ। इजी। एंड अभी तो हम जो सुपरफिशियल लेयर है उसको भी ढंग से क्रॉस नहीं कर पाए हैं। ओह डूड, ओह नो। ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। आई एम गोइंग टू होल्ड दिस, स्लो एंड डीप ब्रेथ, कीप गोइंग, कीप गोइंग। ओह नो, ऐसा लग रहा है पूरे हाथ और पूरे बैक में लैंड माइंस बिछा रखी हैं आपने, एक एक करके एक्सप्लोड हो रही हूँ। ओ ओ, राइट देयर, इजी। पीपल थिंक फेलियर रैप्स आर मोर पेनफुल, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज मोर पेनफुल, दैट्स व्हाट यू मीन। गॉड, दिस इज एक्चुअली, आप जिम में मसल्स को सिर्फ ब्रेक कर रहे हैं, बट द रियल रिकवरी पार्ट इज दिस। Right there. Oh. Whew. Easy. And I'm barely touching it right now. Trust me. Oh God. Oh. Easy. पहले थोड़ा सा better है? इतने लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन के साथ आप वर्कआउट कैसे कर रहे थे यार? मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। हाँ,
हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि वो दो कंपाउंड जो है ना वो हाइपर सेंसिटिव कर देते हैं बॉडी को, है ना। मिल भी बहुत टाइम बाद में रहे मुझे, है ना, मैं मसल की ही बात कर रहा हूँ। ईजी ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। पेनफुल? गुड। ब्रीद इन ब्रीद आउट, लंबी सांस। स्लो एंड डीप ब्रेथ। क्या इस वेस्ट को पतला रखने के लिए आप कोई स्पेशल एक्सरसाइज करते हो? नहीं, बैक को थोड़ा वाइड कर लेता हूं। मैं आपकी पोस्ट देख रहा था, उसके अंदर काफी लोगों ने बोला हुआ था कि भाई कमर को पतला रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करते हो, सो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। इजी, लंबे सांस। ये जो प्रेप पे होते हैं ना, उन लोगों का खास ध्यान रखना पड़ता है मुझे। इजी ब्रीद इन ब्रीद आउट। बहुत माइनर है बट आई एम श्योर मच वेरी गुड। बस थोड़े छोड़ दे, रिलैक्स शुरू करो। बट हाँ, इसका नींद अच्छी आएगी आपको, आई एम श्योर। ब्रीद इन ब्रीद आउट। यू नॉट क्राइंग ना? इजी इजी इजी। ओ, ये तो बहुत अंदर छुप के बैठा है। ये एक बहुत ही टाइट और मोटा फाइबरस सा बैंड है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है समवेयर, इट्स गोइंग टिल डाउन। इजी। ओ ओ, राइट देयर, थोड़ा सा डेप्थ में। ओ फ्लैक्स, फ्लैक्स नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, इजी जा रहा हूँ बोलना, ठीक है। अभी मुझे क्रॉस लिंक्स बने हुए हैं टिश्यूज के बीच में, उनको ब्रेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गुशा। यस गुड। हाँ, इलना नहीं, अब मीटर लगाओ ना, एक इसीलिए लगाया वो ताकि आप ज़्यादा मूवमेंट ना रखें। अभी यहाँ पे या फिर हर जगह रिलैक्स, गुदगुदी भी हो रही है, पेन भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे गुदगुदी है। Breathe in, breathe out. पूरा टाइट कर रखा आपने, छोड़ दो इसको। रिलैक्स होना पड़ेगा, ये पूरा मसल के अंदर इतने माइक्रो ट्रॉमास बने हुए हैं। अभी जस्ट 5 मिनट का सांस लेते रहिए रेगुलर, निकल जाएंगे अभी, जस्ट छोड़ दो। ये
ये जो रेड स्पॉट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सब स्टेगनेंट ब्लड है जो स्कार टिश्यूज और डेड टिश्यू के अंदर बस फंसा हुआ था। सो उन टिश्यू को ब्रेक करके हम उसे बाहर निकाल रहे हैं इस टाइम पे विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड की वजह से। आपको जो राइट साइड का बता ना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था वो ये रीज़न है जो कि बाहर नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पे। ज़्यादा अभी हल्के हाथ से प्रेशर लगा रहा हूँ तो कितना पेन हो रहा है आउट ऑफ 10? ओके। ये बहुत मेजर रीज़न है आपकी प्रॉब्लम का। लेयर बाय लेयर एंटर करेंगे स्लो स्लो, सो जस्ट कीप ब्रीदिंग। ओके, ज़्यादा जैसे प्रेशर लगे बता दो। कौन कहता है मर्द का दर्द नहीं होता भाई, सही जगह पड़ती है सबको दर्द होता है। आती चलो इजी इजी जंप, दिस इज द प्रोसेस ना। ओके, एक मिनट का ब्रेक ले लो, टेक योर टाइम। ये वाला पोर्शन आपका ऐसा हो रखा है जैसे डंडा लेके किस तीन चार लॉन्टन डंडा लेके उसको बजाया हुआ ढंग से। इसके स्किन के अंदर ऐसा हाल है इस समय पे, स्किन पे नज़र नहीं आ रहा बट स्किन के जब नीचे जाएंगे ना तो काफ़ी बड़ी बड़ी इंजरीज हो रखी है। आई एम श्योर उंगली लगाते समझ में आ रहा है। रेडी, इसको सर्वाइव हमें करना पड़ेगा है ना। पहले से बेटर है थोड़ा, क्यों उतना ही है। ब्रीद आउट, गुड, ब्रीद आउट, परफेक्ट, ब्रीद आउट है थोड़ा सा, राइट देयर, जस्ट कीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन एंड आउट। शोल्डर पूरा फ्रंट में रोटेट होया हुआ है वाला। बहुत माइल्ड है अभी, ठीक है। स्लो एंड डीप ब्रेथ, स्लो एंड डीप ब्रेथ्स, लेट योर बॉडी रिलैक्स। स्लो इजी ब्रीद इन, ओके होल्डिंग, लंबे सांस। जंक्शन पॉइंट पे ना थोड़ा थोड़ा ओपन करेंगे इसको। जब ये पेन होता है तो अक्सर मैं बोलता हूँ एक ही बात कि अपने आप को इमेजिन करो स्टेज के ऊपर खड़ा ये तो गोल्ड मेडल जिसके लिए इतना पेन सहा जा रहा है। ये टॉप थ्री में क्यों नहीं आ पाया वो तो पता है, ये सिर्फ दर्द से भटकाने की टेक्निक है, कुछ भी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। बस इससे जेन्युइन क्वेश्चन मैं काफ़ी एथलीट से पूछता हूँ जो अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। देखो हाँ, आपको जाना है ना और वहाँ तक अभी कोई गया नहीं है, ठीक है, जिसके नीचे आप बैठे ट्रेनिंग करते हो उसका वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है, वही आपको वहाँ तक लेके जा सकता है। दैट एक्सप्लेन्स, इसको यहीं होल्ड करें पहले, ठीक है, हिला नहीं रहे हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट। क्या ये गुदगुदी ज़्यादा हो रही है, पेन ज़्यादा है अभी इसमें? पेन ज़्यादा हो रहा है, पेन ज़्यादा हो रहा है। इजी, आँख खुली रखेंगे तो पेन थोड़ा कम होगा, आँख बंद कर देंगे पेन का एंटिसिपेशन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, इन साथ में प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है फिर।
आंखें खुलिए प्लीज। ओके, तो जो स्कार टिश्यू फॉर्मेशन है उसको ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम और लेंगे अभी। हो तो धरती पे ही ना अभी, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि स्पेसशिप में बैठ गए हो, आपको नीचे लटका लीजिएगा। मेन बात ये भी है ना बड़ी, आपने बहुत लंबे टाइम तक इस प्रॉब्लम को सींचा है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे इसमें आप। कैसा महसूस कर रहे हो अभी? कि दर्दनाक छोड़ने को सिर्फ आ रख रहा हूँ। इजी रेंज ऑफ मोशन पहले से बेटर लग रहा है? गुड। क्या इतना दर्द हो रहा है कि हंसना पड़ रहा है? समझ नहीं आ रहा, रो क्या? वो ना मुन्ना भाई MBBS उसमें प्रोफेसर रहता, उसको गुस्सा तेज से हंसता था वो। ओके इजी, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, आपका ही हाथ है, अपना ही समझना इसको, ऐसे रखो हमें। ये बेटर हो रहा है अभी के लिए, लग रहा होगा कि गया, बट गुड चला। नो इंटीरियर डेल्ट और क्लेविकुलर में ज़्यादा डैमेज करवा रखा है भाई आपने, पर वो गलती नहीं, जैसे आप पुश करते हो ना तो कोई रोटेट होता होगा सामने की साइड में, तो दोनों एक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर अभी। अभी ओके, बहुत लाइट लग रहा है, बस हो ही गया 34 seconds। नहीं प्रेशर बिल्कुल, एक मोटा यूज़ कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर रहा, इससे कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं लगा रहा इन जगहों पे, बिकॉज आई नो की बॉडी अभी किस कंडीशन में है ना। सीधा फेस अप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Take a deep breath, breathe out, breathe out, again breathe in, breathe out, breath, breathe out, again take a deep breath, breathe out, easy, chodo. स्पाइन टेढ़ी होगी, लॉक हो रखी है आप इस स्पाइन, यहाँ से रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सही रहेगा। हाँ हिलना नहीं है, इजी। ओह अभी तो किया भी नहीं कुछ, ये एंटीसिपेशन दर्द करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा भाई कुछ भी। आहा दैट्स इट, दैट्स इट, गुड, दैट्स इट। हिलो मत ज़्यादा, रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल, ये देखो ठीक है, लंबे सांस लेने पड़ेंगे, आप उठाओ मत बॉडी को। वैसे इस बार जिम में कौन कौन तैयारी कर रहे हैं शुरू क्लासेस की? कहाँ तो पता ही कि जिम जा रहे हो, तो आँख खोलो जरा एक बार, बस डन 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 डन। लंबे सांस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हिलना नहीं है, हाथ पाथ मुझे लाइए प्लीज,
बस 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 मेरे भाई 5-7 हो रहा बस यहाँ पे। हाँ मेरे को पता है। हेलो मजाक कर रहा था 5-7 का, एक ही बची हुई थी। और आप ज्यादा हिलेंगे तो ज्यादा दर्द होगा। ठीक है किसको ये वाला ए, अब बेटर अगर आप फ्री हो ना तो मैं आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर बुलाना चाहूँगा। आ जाओगे ना, क्योंकि एक एक करके साइड को कवर करते चलेंगे। और आप अब इस कंडीशन में हो नहीं कि मैं बड़े पार्ट्स को कवर कर रहा हूँ, 2-3 पार्ट एक साथ कवर कर सकूँ। मैं एक एक छोटे छोटे पार्ट्स को कवर करते हुए चलना पड़ेगा, बिकॉज जैसे कि आप पता लग रहा होगा ना, बहुत ही छोटे से पार्ट को कवर किया हमने और इसने भी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई आपके लिए। और साथ में जो हाइपर सेंसिटिविटी है ना, मेजर इशू वो है, नहीं तो अपर को मेरे को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और बढ़ा दीजिए जिम में, चाहोगे तो लिंक शेयर कर दूँगा कोई। ठीक है, वैसे हम लोग भी शूट शुरू कर रहे हैं जो रीहैब की एक्सरसाइज है ना उनका, तो साथ में एक ऐप भी डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर कंप्लीट प्रोग्राम ही होगा। तो जैसे लिंक पहले यूट्यूब पर शेयर होता था, अब उसे ऐप शेयर कर दूंगा। ऐप के अंदर आप जैसे अपना नाम डालोगे ना, तो आपके लिए पूरा प्रोग्राम निकल के आ जाएगा वहाँ पे। AI बेस्ड मॉडल है। हम तो पहले इंजरी को रीहैब करने में लगे हुए हैं ना, नॉर्मल वो सेशन नहीं था, परफॉर्मेंस बेस्ड सेशन नहीं था, ये इंजरी को रीहैब करने के लिए था, बिकॉज वो पार्ट बहुत ज़्यादा ही ट्रॉमेटाइज्ड है। तो पहले उसको एक नॉर्मल ले आते हैं, फिर हम इसको इक्वल लेके चलेंगे। एंड फिर टाइमिंग्स ऐसा रखेंगे जहाँ पे मैं आपको मैक्सिमम टाइम भी दे पाऊँ ना। चलेगा? मैं रिवर्स सिग्नल भेज रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल ऐसा, ठीक है, नॉर्मल है ना। तो जो ब्रीनिंग इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेंड करता है ऊपर से नीचे, हम उसी काम को रिवर्स तौर पे कर रहे हैं, ताकि जो कनेक्शन में जो प्रॉब्लम रही हो बीच में और जो भी न्यूरोमास वगैरह बने उनको ट्रीट किया जा सके। एंड ये इस पर्टिकुलर साइड की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। फिर एक बार सीधे हो जाइए प्लीज। ओके ना, पेन है वैसे गर्दन में, अभी यहाँ पेन हो रहा है। कोई बात नहीं, पेन हो रहा है यहाँ, स्टिमुलेट किया ना इस वजह से। इजी क्या बोल रहा हूँ। हाँ, उन चैनल्स को ओपन अप किया ना, तो हो सकता है एक बार के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगे आपको, थोड़ी देर तक हो सकता है डिस्कम्फर्ट रहे, बट ये चला जाएगा अपने आप। ठीक है, कैसा लग रहा है? ठीक है, नहीं पूछ रहा। मुझे भी लग रहा है काफी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पा रही, आप खुद बता रहे नींद आपको ढंग से नहीं आ रही अभी, स्लीप में थोड़ा इशू है, राइट? बट आई एम श्योर जो हमने आप किया है ना, इससे स्लीप में भी बहुत फर्क पड़ने वाला आपके लिए। लाइट लग रहा है, बिकॉज आज हमने बेसिकली राइट साइड में ही वर्क किया ना, जो प्रॉब्लम आपने बताया था कि राइट साइड की मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, उस पर आज फोकस किया है। जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम इसको इक्वल लेके चलेंगे, देखते हैं पहले तो ये रेस्पॉन्स कैसा कर रही है, कितना परसेंट इंप्रूव हुई है पहले से, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों उसको डिवाइड करके लेके चलेंगे। एंड दैट्स व्हाई सेड कि हम इसको वीक बाय वीक कैरी करते हैं, टाइम निकाल लेना थोड़ा सा। सो हमारा रिवाइव 2.2 अंडरग्राउंड लोकेटेड एट सेक्टर 42-235 बेसमेंट के अंदर, इट्स एडवांस फिजिकल थेरेपी सेंटर। और लिंक में भाई हमारा एड्रेस भी डाल देंगे, इंस्टाग्राम पे लिंक भी शेयर हो जाएगा। किसी को भी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड किसी भी लेवल पे, चाहे वो मस्कुलर लेवल हो, न्यूरल लेवल या आपके स्पाइनल लेवल, किसी भी प्रकार का कोई भी इशू है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं विद 95% सक्सेस रेट। सो गाइज कम हियर एंड बुक योर अपॉइंटमेंट।
वन मोर थिंग गाइस, मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। जैसा कि आज आपने देखा मेरा क्या हाल था थेरेपी के टाइम पे, ये इस वजह से था कि प्रॉपर सेशंस अगर आप नहीं लेते हो ना, प्रॉपर अगर आप मसल्स पे देखो, सिर्फ ट्रेनिंग इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग और योर फिटनेस, डाइट भी मैटर करती है, साथ में रिकवरी प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो है किसी भी तरह के, मैं ये कह दूँगा आपकी बॉडी बिल्डिंग पे एक स्टॉप लग रहा है एक तरीके से, उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ मसल्स में आने के लिए, ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप ये रेगुलर कराते रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। मुझे काफ़ी टाइम हो गया एंड द प्रॉब्लम वॉज कि मुझे इस वजह से टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि मैं सिर्फ एक ट्रस्ट समझ लो, या फिर मुझे जो यहाँ आने के बाद जो मुझे लगता है लाइक बेटर फील करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो वो एक्चुअल में मुझे अभी तक मुझे कोई ऐसा प्रायर और थेरेपिस्ट आज तक मुझे कभी नहीं मिला है। मैं प्रमोशन बेस पे नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मुझे भी पता है कितना जरूरी होता है, तो मैं कहीं ना कहीं बीच में किसी ना किसी सेशन से जरूर लेता, श्योर। बट आई वॉज वेटिंग कि कहीं ना कहीं मे बी सर कहीं बिजी हैं, बट एनी वेज सर अपना ये यू नो उन्होंने अपना ये खुद का अपना जगह लिया है, जो भी है, जैसे भी सर ने देखा आप आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे। सो उसमें थोड़ा बिजी थे सर, उनकी भी कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन जैसे ही सर का मुझे कांटेक्ट, फिर से मेरा दोबारा सर के साथ में कांटेक्ट हुआ, तो मैं फिर से आया। सर ने बोला है कि आपको वीक में एक बार, हर एवरी वीक यानी कि महीने में 2-3 सेशन तो लेने होंगे एटलीस्ट, तो वो मैं कंटिन्यू करूँगा ताकि मैं उस लेवल तक फिर से आ सकूँ। मेरा रिकवरी रेट भी काफ़ी डाउन जा चुका था, ट्रेनिंग में उतना मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनना था, फोकस पूरा रखना था। तो ये सारी चीज़ें ना देखो बहुत डीपली जितना जाएंगे वीडियो बहुत लंबी होगी, कहने का मतलब लास्ट में बस यही है कि इसको भी अपना अपना आश्रम में ऐड कीजिए। ये भी एक बॉडी बिल्डिंग का फिटनेस, चाहे आप लिफ्टर है चाहे जो भी है, ये भी उसका पार्ट है। साथ में स्ट्रेचिंग का बहुत ख्याल रखिए, जो कि मैं शुरू नहीं करता। एंड उनको बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रेचिंग प्लीज इंक्लूड कीजिए, ताकि उनको यहाँ पे जो पेन हो रहा है वो थोड़ा कम होगा। बिकॉज अगर स्ट्रेचिंग करते रहेंगे आप तो रेगुलर बेसिस पे आपकी थोड़ी रिकवरी में हेल्प मिलती रहेगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा, जैसे कि बता देंगे अभी एड्रेस के अंदर। बादाम खाने के बाद अकल नहीं आएगी, ठोकर खाने से आती है, तो मेरा होते तो मैं ठोकर खा के आई है। पेन बहुत, इसमें थोड़ा पेन है लेकिन अच्छा फील हो रहा है, मुझे फर्क लग रहा है बैक में बहुत। तो आप आना जरूर और एक बार एक सेशन जरूर लेना मेरे नाम से, भाई सर को आप बोल रहे डिस्काउंट देंगे सर जरूर, बिल्कुल भाई मेरी तरफ से दे देना, बिल्कुल डिस्काउंट भाई। इनके साइज जो आएंगे तो डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा यहाँ। वैसे यहाँ मैं प्रमोशन बेस पे नहीं आया, मैं जस्ट वो ब्लॉग में ऐसे डालने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप थोड़े प्रमोशन, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये चीज़ें जाएँ, काफ़ी लोग मुझे भी नहीं पता था, तो मैं चाहता हूँ सच में सर के बारे में लोगों को पता लगे और सही ट्रीटमेंट आप लोगों को कम प्राइस में मिले, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हर एथलीट तक ये चीज़ इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो ये वीडियो बस ये समझ लो आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आगे सीरीज़ अपनी शेरू क्लासिक की चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।